तो मेरा कोल बागान देखिए, तेज हवा, कोल का पत्ता मजे से हिल रहा है, उसमें व्हाइट पेंटिंग है हाइड्रोजन का इंजन के लिए, डायनामो के लिए, यहाँ से के लिए टैंकी है, करंट पैदा करता है, नीचे जाके पावर ब्रिज है, नदी इसका इस तरफ है, दिखाता हूँ। ये है वाश करने के लिए, टंकी को वाश करने के लिए जो ये है, यहाँ से ड्रेन होके आता है। और ओवरफ्लो में ज्वाइन हो जाता है, फिर नदी में जाता है उधर तरफ। ये ओवरफ्लो, ओवरफ्लो के लिए है ये टंकी का। और ये टंकी के लिए पानी जो इस तरह से ड्रेन होके आ रहा है, इधर से आ रहा है पानी। ये ऊपर, ये ऊपर जो फ्लाईओवर ब्रिज जैसे लग रहा है, ये ड्रेन है, इस चैनल बनाया हुआ है। तो ये है हाइडल के सब पानी सप्लाई के लिए जो ये है टंकी है, ऊपर से खींच रहा हूँ, पानी अवेलेबल है। ये है चैनल का जो हाइडल के लिए ही जो टंकी है, उसी के चैनल ये पानी जा रहा है, चैनल का सोर्स है। यहाँ में पानी यहाँ से खोला जाता है, यहाँ से ये है खोलता है, कम करना तो यहाँ करता है, और खोलने से बड़ा खोलना यहाँ खोला, कंट्रोल किया जाता है। ये है कंट्रोल रिंग है, और इसके बाद आगे आगे दिखाऊंगा। ओ और यहाँ में है मेन फिल्टर, और सॉरी फिल्टर इस जगह पे है, इस जगह में फिल्टर है, यहाँ से होके इस अंदर तक जा रहा है। ये मेन फिल्टर पानी, मेन पानी यहाँ से सप्लाई हो रहा है अभी, ऐसे होके उसके बाद अंदर जाके यहाँ में फिल्टर है, पत्ता ऊपर रखा हुआ है, तो अंदर होके इसका अंदर से घुस के यहाँ आ रहा है, यहाँ से आ रहा है फिल्टर, वहाँ से होकर के पानी ओवर जो अननेसेसरी पानी इधर जा रहा है।